मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के अंदर सारी जीवन की, सारे ज्ञान की, इस संसार में जितने भी लोग आए हैं उनकी और जो आके चले गए उनकी, और हम भी आए हैं, हमको भी एक दिन जाना है। सब अपनी अपनी सांसें पूरी कर रहे हैं, किसकी कौन सी सांस आखिरी होगी ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि रामायण में आप में से अगर किसी ने पढ़ी हो तो बहुत सुंदर चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। मैं अभी एंट्री हुआ यहाँ तो यहाँ मुझे बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी हुई मिली। पूरी रामायण को हजारों बार मैंने इस श्रीमुख से गाया है, लेकिन एक उसको गाना, एक दूसरों को सुनाना, एक उसको जीवन में लाना, तीनों अलग अलग बातें हैं। तो रामायण की कुछ चौपाइयां मैं आपको बता रहा हूं, उस चौपाइयों के आधार से अगर आप देखें और अगर सोचें तो जीवन आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। जब श्री राम जी को वनवास हुआ और भरत जी को राज तिलक, तो भरत जी को ये बात सहन नहीं हुई कि वो बड़े और मैं छोटा, उनको वनवास मुझे राज तिलक क्यों, ये तो अन्याय है, राम जी को मिलना चाहिए राज तिलक। तो वो रोते रोते बिलखते बिलखते वशिष्ठ मुनि जी के पास गए और उन्होंने कहा, मुनिराज मैं बहुत अधीर हूँ, बहुत अंदर से मुझे तड़प हो रही है कि मेरे बड़े भाई को वनवास क्यों और मुझे राज तिलक क्यों, ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है, ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, और आप लोग भी सही से फैसला नहीं कर रहे। तो वशिष्ठ मुनि जी रोने लगे, वो भी रोने लगे भरत को देखकर। तो उन्होंने रोते रोते चंद चौपाइयां बोली, वो मैं आपको सुना रहा हूं कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, सुनो भरत भावी प्रबल, भावी का मतलब होता है समय, प्रबल समय बड़ा बलवान है, कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, रो रो कर वो भी कह रहे हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, जन्म मरण यश अपयश लाभ हानि विधि हाथ। ये छह चीजें उन्होंने कहा भरत को, कि ये छह चीजें ना तो तेरे वश में है, ना ही मेरे वश में है, ना ही भगवान के वश में है। छह चीजें कौन सी हैं? कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, यश अपयश जन्म मरण लाभ हानि विधि हाथ। ये छह चीजें भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने जब इस सृष्टि को बनाया तो ये छह चीजें मनुष्य को नहीं दी। अगर मनुष्य को दे देता तो एक भी मनुष्य भगवान को याद नहीं करता, याद नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये छह चीजें उसने समय के ऊपर डाल दी, समझ रहे हो? तो समय इतना, ये जो समय अब चल रहा है ना, आज कौन सी डेट है, 22 तारीख 2022, ठीक है, आपकी जिंदगी में ये जो दिन है, ये जो डेट है, दोबारा नहीं आएगी। 2023 आएगा, 21 गया, ये 22 है, 22 के बाद 23 आएगा, 22 दोबारा कभी भी नहीं आएगा, आएगा आप बताओ? ये गया तो गया। और आज के दिन जितनी हमने सांसें ली हैं, लगभग 21,612 श्वास एक एक प्राणी को मिली हुई है, कुछ कम ज्यादा हो सकती हैं, राउंड फिगर 21,612 सांस हर व्यक्ति लेता है उठने के बाद और सोने तक, लेकिन इतनी ये सांसें हमारी हम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ जा रही हैं? बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी जाने वाला है।
लेकिन हम आज तक भी ना तो अपने आप को जान पाए हैं और ना ही उस ईश्वर को जान पाए हैं, ना ही समय को जान पाए हैं। बोले क्या ना स्पीकर, पहली चीज है जन्म। इस दुनिया में मनुष्य को जन्म का अधिकार नहीं दिया भगवान ने। जन्म का अधिकार मतलब अगर मनुष्य को जन्म का अधिकार दे देता तो वो अपनी मर्जी से पुत्र और अपनी मर्जी से पुत्री पैदा करता। भगवान ने समय के ऊपर डाल दिया, ना ही हमको पुत्र अपनी मर्जी से होता है ना ही पुत्री। और ऐसे लोग बहुत सारे दुनिया में आते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे दुनिया में आते हैं जो नी संतान ही चले जाते हैं, ना पुत्र की प्राप्ति होती है ना ही पुत्री की। पुत्र और पुत्री को प्राप्त करने के लिए कितना हम भगवान से मन्नतें करते हैं, कितनी यात्राएं, कितने कर्म कांड, कितने कुछ कुछ करते हैं। जन्म का अधिकार ईश्वर ने किसी भी मनुष्य को, यहां तक कि देवताओं को भी नहीं दिया जन्म। और दूसरा है मृत्यु। ये सारी बातें हमको अनेकों बार रामायण में हमने पढ़ी होंगी, अनेकों बार सुनी भी होंगी, लेकिन यहां से सुना और यहां से बात, उसको प्रैक्टिकल समझने की बात है। सुनो भरत भावी प्रबल, समय बड़ा बलवान है, समय के हाथ में ये चीजें। दूसरी चीज है मृत्यु। मृत्यु का हक मनुष्य को नहीं दिया किसी भी मनुष्य को। अगर हमें पता लग जाए कि कल मेरी मृत्यु होने वाली है तो मैं सारे इंतजाम आज ही कर लूंगा, हम में से किसी को नहीं पता किसकी आत्मा कब शरीर छोड़ेगी। कोई अभी 10 मिनट बाद भी जा सकता है, कोई आधे घंटे बाद भी, कोई एक दिन बाद भी, कोई एक साल बाद भी, कोई 10 साल बाद भी। मृत्यु का अधिकार भगवान ने मनुष्य को नहीं दिया। समय, स्थान और बहाना, तीनों चीज मनुष्य की निश्चित है पहले से ही। समय कौन सा होगा आपकी आत्मा शरीर छोड़ेगी जब, स्थान कौन सा होगा और उसका बहाना क्या बनेगा, एक्सीडेंट से मरेगा, हार्ट अटैक से मरेगा, किससे मरेगा, वो अलग एक कहानी है बहाने की। मेरे खुद के मामा जी घर में बैठे हैं आराम से, करोड़पति हैं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी उनको, बस बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ा, घर से निकले, बाइक उठाई, नहर में जाके कूद गए, अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ गए। क्या चला उनके मन में ऐसा? तो मृत्यु उनकी वहां उस समय पे निश्चित थी, आत्मा ने शरीर छोड़ना था, तो समय के हाथ में है। सबका सबका समय, स्थान, बहाना निश्चित है। जरूरी नहीं है मैं रेवाड़ी हरियाणा तक पहुंचूंगा, रास्ते में भी कुछ भी हो सकता है, मेरे को यहां भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक भ्रम में जी रहे हैं। मृत्यु। तीसरा यश। यश का मतलब है नाम। इस दुनिया में आने के बाद, संसार में आने के बाद यश का अधिकार मनुष्य को नहीं दिया कि अपनी मर्जी से कोई भी प्रसिद्ध हो जाए। बहुत मेहनत करते हैं लोग अपना नाम करने के लिए दुनिया में, यश का अधिकार नहीं दिया भगवान ने। चौथा है अपयश। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ, बहुत विस्तार है लेकिन मैं शॉर्ट में लेके आ रहा हूँ क्योंकि समय आपका देखते हुए। चौथा है अपयश, दाग। माँ बाप सारी जिंदगी लगा देते हैं नाम कमाने के लिए, बेटा बेटी छोटा सा गलत काम करके आते हैं, दाग लग जाता है, अपयश। पांचवा लाभ। हमारे पास कब, किसके पास कब कितना पैसा आएगा, कब लाभ होगा हमको नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे रिक्शा चलाते चलाते करोड़पति बन गए है। हमारे नरेंद्र मोदी देख लो, बोलते चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए। समय, यश इतनी तेजी से आगे बढ़ता है। लाभ, ये लाभ, यश और लाभ दोनों मिला उनको एक साथ। और पांचवा है हानि। चलते चलते कब किसके साथ क्या नुकसान हो जाए किसी को भी नहीं पता। अभी हम बैठे हैं ठीक ठाक, अभी थोड़ी देर बाद कोई नस दब जाए तो बैठे रह जाएंगे खटिया के ऊपर ही, समझ रहे हो। ये है 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में भी नहीं रखी, मनुष्य को भी नहीं दी, समय पे छोड़ दिया। काल चक्र घूम रहा है और सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बीत गए, अब कलयुग आ गया है और अभी कलयुग भी जाने वाला है। ये समय बीतता चला जा रहा है और धीरे धीरे घड़ी घड़ी रिश्ता चला जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, एक गर्म पतीले के अंदर एक पानी का पतीला गर्म करो,
और उसमें एक जिंदा मेंढक को छोड़ दो आप, तो क्या करेगा मेंढक? क्या करेगा? कूद के बाहर आ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उबल रहा है पानी। और एक आप दूसरी जगह पे एक पतीला रखो चूल्हे के ऊपर, चूल्हे को बंद रखो और ठंडे पानी के अंदर आप मेंढक को छोड़ दो। क्या करेगा वो? फुदकेगा? नहीं फुदकेगा, अंदर ही रहेगा, आनंद आता है उसको। फिर उसके नीचे थोड़ी सी आंच लगा दो आप, धीरे धीरे पानी निवाया होने लगेगा। निवाया होगा उसको बड़ा मजा आएगा, निवाए पानी बड़ा अच्छा लगता है ना, मजा लेता, आनंद लेता है हर कोई निवाए पानी का। और वही पानी जब धीरे 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 गर्म होता है, उसी पानी को जब आप थोड़ा 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 गर्म होने लगेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो आनंद ले रहा है उसके अंदर, उसको गर्म पानी का महसूसता ही नहीं होगा, वो कूदने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा अंदर से, और उसी पतीले में उसके प्राण निकल जाएंगे। ये है हमारा संसार। हम सब कौन है? कौन से मेंढक हैं हम? भगवान कह रहा है कलयुग है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी इस धरती के ऊपर कुछ भी हो सकता है। अभी भी दिल्ली में मैं सुन रहा हूँ कई दिन से भूकंप आ रहा है, अंडमान निकोबार में आ रहा है, कई जगह आ रहा है। तो हम कौन से मेंढक हैं? जब एकदम विनाश सामने आएगा, एकदम सब कुछ आएगा ना, तो क्या होगा? हम अभी मजा ले रहे हैं संसार का, है ना, लेकिन जब वो पानी उबलेगा ना, जब सामने सारी परिस्थितियां आएंगी, तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम फुदक के बाहर आ जाए। इसलिए भगवान हमको मौका दे रहा है और थोड़ा थोड़ा समझा रहा है, ऐसे मेंढक मत बनो कि आनंद लेते लेते इसी संसार में प्राण त्याग दो, है ना। अभी भपका होगा और भपके से पहले ही उछल के बाहर आ जाना है। मतलब अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान से लगा के अपने अंदर इतनी शक्ति भर लो कि सामने कोई परिस्थिति आवे तो मैं उसका सामना कर सकूं। आज हमारे घर में छोटी सी कोई बात हो जाती है, हम घबरा जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव सुनाऊंगा। मैं सेवा पे ऐसे ही गया हुआ था रोहतक में, और मेरी माता जी कपड़े सुखा रही थी, वहां से तार जा रही थी 11,000 वोल्ट की, और वो हमारी माता जी को टच हो गया, कपड़े गीले थे ना, टच हो गया तो वो वहां पे गिर गई, और गिरते ही उसका सिर फट गया, ठीक है। और मैं रोहतक में सेवा कर रहा था ऐसे जैसे अब आपके सामने कर रहा हूँ, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई घर पे, और भीड़ इकट्ठी हो गई तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे, मेरा एक दोस्त पहुँचा, उसने मेरे को फ़ोन किया, कहने लगा कमल भाई आपकी माता जी का सिर फट गया, ऐसे बोला वो। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, बोला कोई बात नहीं, तेरे को दुख नहीं हो रहा तेरी मम्मी का सिर फट गया? अब बताओ ऐसे समय पे क्या करना चाहिए मुझे? आप बताओ क्या करना चाहिए? है जाना चाहिए? मैं रोहतक बैठा हूँ, आने में कितनी देर लगेगी मुझे? कम से कम 3 घंटा। मैं वहां नहीं पहुंच सकता, मेरे पास 2 रास्ते हैं वहां पे। या तो मैं भगवान को याद करूं, भगवान से प्रेयर करूं और उससे शक्ति लेके उस आत्मा को शक्ति दूं, या मैं वहां बैठा बैठा रोता रहूं, हाय मेरी मम्मी को लग गया, हाय मेरी मम्मी को लग गया, हाय मेरी मम्मी को लग गया। 2 रास्ते हैं मेरे पास, मैं क्या करूं? दुआ करूं या उसके लिए दुख मनाऊं? ये काम अच्छा है ना। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तो बोला तेरे को दुख नहीं हो रहा? मैंने कहा दुख क्यों होगा भाई, मेरे पास 2 रास्ते हैं, अब मैं इतनी जल्दी उछल के तो आ नहीं सकता वहां पे। मैंने वहां पे ऐसे ही 50 कुमार आए हुए थे, सभी कुमारों को कहा कि आप सब योग लगाओ मम्मी के लिए, और सारे के सारे कुमार वहां पे बैठ गए हम और हमने योग किया। आधे घंटे बाद खबर आती है, क्या खबर आती है पता है? ये खबर आती है कि आपकी मम्मी को सिर्फ इतना सा टाका लगाया, तो ये क्या हो गया? सूली से काटा, समझ रहे हो? भगवान के याद में इतनी शक्ति है, वो बड़े से बड़े काम कर देता है, हम नहीं कर सकते। तो परमात्मा ऐसे मदद करता है, लेकिन मदद तब करता है जब हम उसको उस जो वो जैसा है उस रूप में याद करें, है ना, उस रूप में याद करें। भगवान जो है सिंपल सी उसकी छोटी सी परिभाषा है, अगर किसी को समझ आए तो, भगवान अदृश्य है। क्या है?
अदृश्य इनविजिबल, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर इन आंखों से दिखाई देता तो उसको कोई पकड़ के कैद कर लेता अपने घर में, भाई तू मेरे घर बैठ, तेरी पूजा मैं करूंगा, तेरे को किसी के घर जाने की जरूरत, उसको पकड़ के कैद कर लेता कोई इन आंखों से अगर दिखाई पड़ता तो। वो अदृश्य है, इनविजिबल। और सबसे बड़ी एक चीज और उसके बारे में, भगवान नॉन मेटीरियल है। मेटीरियल समझते हो, ये कुर्सी मेटीरियल की है, ये शरीर मेटीरियल का है, ये खंभा मेटीरियल का है, ये माइक मेटीरियल का है। आत्मा नॉन मेटीरियल है, मेटीरियल नहीं है वो, उसको कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। ऐसे ही भगवान भी नॉन मेटीरियल है, समझ रहे हो, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता, उसको कोई कैद नहीं कर सकता, ना ही उसको इन चरम चक्षुओं से कोई देख सकता है। गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, तू मुझे चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता, तुझे अगर मुझे देखना है तो मैं तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। जो राजयोग में हम अभ्यास करते हैं, तीसरे नेत्र से अपने आप को देखते हैं और भगवान को भी याद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये दो बातें हैं बस, छोटी सी, आत्मा और परमात्मा की। ना तो आया कोई ऐसा दुनिया में ऐसा धर्मात्मा महात्मा, कोई साइंटिस्ट कोई डॉक्टर ऐसा आया हो जिसकी आत्मा निकली और पकड़ के ऐसे वापस डाल लिया हो उसने, वो दिखती नहीं है, कोई देख ही नहीं पाया। क्यों? कारण है, क्योंकि जैसे शरीर है और आत्मा है, आत्मा को बनाने वाला परमात्मा है, वही बता सकता है मैंने कैसे डाला है, कैसे काम कर रही है, कैसे निकलती है, वो सारा ज्ञान अभी सुना रहा है। आत्मा को कैसे भेजा, कैसे वो शरीर में काम कर रही है, कैसे वो निकल जाती है, कैसे उसका रूप है, कैसी वो दिखती है, उसको देख कैसे सकते हैं, उसको महसूस कैसे कर सकते हैं, ये सारा ज्ञान अभी ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर भगवान दे रहा है, खुद दे रहा है डायरेक्ट। और वो अपने बारे में भी बता रहा है कि भगवान अदृश्य है, नॉन मेटीरियल है, वो कोई पत्थर का या कोई सोने का या पीतल का चांदी का नहीं बना हुआ है जो उसको पकड़ के कोई बिठा लेगा घर में, नहीं वो हड्डी मांस का बना हुआ है। इसलिए उसका नाम है शिव। शिव का सीधा सा अर्थ है जिसका शव नहीं है उसको शिव कहते हैं, जिसका शव, शव माने शरीर नहीं है वो कौन है, शिव है। शिव के तीन अर्थ है, शिव का पहला अर्थ है बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, दूसरा अर्थ है कल्याणकारी, और तीसरा अर्थ है कि वो शरीर से भिन्न है, शरीर से अलग है, उसको शरीर नहीं है। अगर शरीर होता तो कोई भी उसको अपने पास रख लेता बिठा के। और आपने देखा होगा शिवलिंग जो होता है, ज्योतिर्लिंगम, जिसको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, ना तो भगवान स्त्री है ना ही पुरुष है। सबसे बहुत अच्छी बात समझने की है, ना तो भगवान स्त्री है और ना ही पुरुष है, समझ रहे हो। अगर स्त्री पुरुष होता तो वो जन्म मरण के चक्कर में आता, पाप कर्म के चक्कर में आता, पुण्य के चक्कर में आता, सुख दुख के चक्कर में, वो सारे चक्रों से परे है, उसको कोई चक्र बांध नहीं सकता, ना दिन रात का, ना सुख दुख का, ना पाप पुण्य का, ना जन्म मरण का, कोई ऐसा चक्र नहीं बना जो भगवान को फांस ले। भगवान, हम फंसे हुए हैं लेकिन भगवान उससे, इसीलिए तो उसको बुलाते हैं ना। तो इसीलिए हमको ये चीजें समझनी है, सिर्फ सुननी, सुनना और उसको समझना, और एक होता है उसको अनुभव करना। हम आत्मा को अनुभव करते हैं शरीर में और परमात्मा से संबंध जोड़ के बड़ा प्यार से उसको याद करते हैं, वो अपनी सारी चीजें हमको देता है धीरे धीरे। इसलिए भगवान कहते हैं शांत मन में मेरा वास है। जिसका मन शांत है मैं सिर्फ उसी के पास जाता हूँ, जिसका मन शांत नहीं है मैं उसके पास। अब आप अपने आप से पूछो आपका मन कितना शांत है, पूछो। सारा दिन हमारा मन इस देह में, देह के पदार्थों में, देह की चीजों में, कपड़ों में, खाने में, इधर जाने में उधर जाने में भटकता रहता है, तो भगवान कहाँ से महसूस होगा। भगवान उसी को महसूस होता है जिसका मन शांत है, बस ये छोटी सी बात है। तो अपने मन को शांत करने के लिए 7 डेज कोर्स कराया जाता है, आप कीजिए, उसका लाभ लीजिए। आज से 8 साल पहले मैं आपको बताऊं, मैं खुद लौकिक में सारी सारी रात जागरण करता था, सारी सारी रात श्रीमद् भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, बाइबल, इतनी गहराई में जाके उसको पढ़ा
इतनी गहराई से समझने की कोशिश की कि भगवान तू है कहाँ। लेकिन जब यहाँ आया तब मेरे को समझ में आया कि भगवान कौन है। नहीं तो मैं भी घूम रहा था, मैंने कोई ऐसी तीर्थ यात्रा या कोई ऐसा धाम नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं गया। साईं बाबा का मैं भक्त रहा बहुत बड़ा, साईं बाबा की बहुत भक्ति करता था, चार टाइम मराठी के अंदर उसकी आरती बोलता था, इतना प्रेम था मेरे को भगवान से। लेकिन भगवान को ढूंढने के अंदर मेरे 14 साल निकल गए, 14 साल। आप सोचो नौधा भक्ति जो भगवान के लिए की हमने, लेकिन पता ही नहीं था कुछ। यहाँ आने के बाद में सारे मन के प्रश्न मिट गए, मन शांत हो गया और ईश्वर में लग गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये छोटा सा अनुभव आपके सामने शेयर किया है। ओम शांति।